जी आपका नाम क्या है? आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया बहुत वायरल हो रहा है, क्या है वो? जी मेरा नाम शिवम है, करेंटली मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मेरे कुछ कलीग्स हैं जो मेरे साथ में रहते हैं और उनके साथ में हम लोग मिलके काम करते हैं, और जो संगम और गुरप्रीत साथ में रहते हैं, तो आए दिन हम लोग कुछ ना कुछ नए और यूनिक प्रोजेक्ट्स बनाते रहते हैं। इसके पहले हमने चलने वाले रोबोट्स आपने देखे होंगे, दो पैर से चलने वाले रोबोट्स, एक टायर पे चलने वाली बाइक, स्कूटर्स, व्हीलचेयर, बनाना कार, इस टाइप के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हम लोग बनाते रहते हैं। लेकिन इस टाइम पे जो हमारे दिमाग में चल रहा था कि हम लोग कुछ ऐसे व्हीकल्स बनाएं जो फ्यूचर में चलने वाले हो, जिसके फ्यूचर में यूजेस हो, तो इस थीम को लेके इस बार हमने काम करना स्टार्ट किया था। तो इस बार जो है हम लोग ने एक फ्यूचर कंसेप्ट व्हीकल कार बनाने की हमने सोची, जिसपे हम लोग ने लगभग एक से डेढ़ महीना हम लोग ने इसके डिजाइनिंग पे काम किया कि किस तरीके से दिखेगा, कैसे ये चलेगा, अंदर की इसके फंक्शन किस तरीके से काम करेंगे। तो एक से डेढ़ महीना हमने इसके डिजाइनिंग पे काम किया। उसके बाद हमको एक डेढ़ महीना और लगा इसको प्रैक्टिकली, क्योंकि डिजाइनिंग को कब कोई चीज़ को हम प्रैक्टिकली जब बनाते हैं रोड पर उतारते चलाने के लिए उसमें काफ़ी टाइम जाता है, लेकिन डिजाइनिंग के अंदर ही हमने सब कुछ कर लिया था, तो हमको प्रैक्टिकली इसको पूरा कंप्लीट करने में एक डेढ़ महीना और लगा। तो विद इन हमने थ्री मंथ के अंदर एक फाइनली फर्स्ट प्रोटोटाइप हमने बना के कंप्लीट कर दिया था। तो यहाँ पे अगर आप इसके डिजाइनिंग को देखेंगे तो एक पूरा फुल्ली फ्यूचरिस्टिक डिजाइन दिया है, क्योंकि इसके आगे पीछे ना आपको कोई व्हील दिखेंगे, इसमें ना आपको कोई फ्रंट स्टेयरिंग दिखेगा, क्योंकि इसका स्टेयरिंग हमने आगे से पूरा हटा ही दिया है। बैक में एक मैनुअल स्टेयरिंग दी है, और इसको हम दो चीज़ से और ऑपरेट कर सकते हैं, जिसको हम जॉयस्टिक से और मोबाइल के थ्रू भी इसको हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। और धीरे धीरे हम इसके अंदर AI भी इनबिल्ट कर रहे हैं, जिससे आप अंदर बैठिए, कमांड दीजिए, कमांड से ये सब कुछ चलेगा। आगे पीछे सेंसर्स भी इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसके अंदर मींस आगे अगर कोई व्हीकल्स आ गए तो ऑटोमेटिक ये स्टॉप हो जाएगा। इस तरीके से काफ़ी सारे AI हम लोग इसके अंदर इनबिल्ट कर रहे हैं। और करेंटली अभी जो इसकी रेंज की बात करूँ तो स्पीड की बात करूँ तो इसमें जो अभी हमने मोटर्स और बैटरीज यूज़ की है, तो हमने कैसा है कोई भी प्रोटोटाइप बनाते हैं तो उसको पहले लो स्पीड पे टेस्ट करते हैं। तो अभी करेंटली इस पर हमने 30-35 की स्पीड अचीव की है, जिस पर हमको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। धीरे धीरे हम इसकी स्पीड पे भी और काम करेंगे। और रेंज जो है इस पर हमने अभी लिथियम आयन बैटरी यूज़ की है जो 60 वोल्ट से ऑपरेट होता है, तो करेंटली अभी हमको इसमें 80 किलोमीटर के आसपास में रेंज मिल जाता है। और कॉस्टिंग की बात करूँ तो अभी तक हमने इस प्रोजेक्ट में 65,000 के आसपास में हमने अभी तक कॉस्टिंग स्पेंड कर दिया है, और भी धीरे धीरे इसको और इम्प्रूव करके एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन और इसको देने वाले हैं, और इसके अंदर काफ़ी सारे AI भी इनबिल्ट करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि इसके नेक्स्ट वर्जन भी काफ़ी जल्दी हम लोग कंप्लीट करके आपके साथ और आपके पास भी जरूर ये लेके आएंगे। थैंक यू।